दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आप जो अपने व्हाट्सएप में डीपी लगाते हैं, अपनी प्रोफाइल फोटो लगाते हैं, वो सभी लोगों को ना दिखे, सिर्फ सिलेक्टेड नंबर को ही दिखे? या फिर आप जानना चाहते हैं कि आप जो अपनी डीपी लगाते हैं वो सिर्फ हमारे सिलेक्टेड नंबर को ना दिखे? अगर हाँ, तो फिर आप इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे हम अपने फोन की स्क्रीन पे हैं और यहाँ पे हम ओपन करते अपने व्हाट्सएप को। अब दोस्तों, व्हाट्सएप ओपन हो जाने के बाद अपने डीपी को मैनेज करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, इस तीन बिंदु पे यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा सेटिंग्स पे। अब दोस्तों, यहाँ पे ये आपका डीपी है, ये आपका प्रोफाइल फोटो है, इसे मैनेज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा अकाउंट्स पे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको फिर से क्लिक करना होगा प्राइवेसी पे, यहाँ पे आप प्राइवेसी पे क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रोफाइल फोटो, यहाँ पे ये डिफॉल्ट रूप से एवरीवन पे टिक रहता है, तो आप इस पे क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप अपनी प्रोफाइल फोटो, अपने डीपी को चाहते हैं कि सभी लोग देखे, तो आप एवरीवन पे टिक रहने दीजिएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है माय कॉन्टेक्ट। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे टिक करते हैं माय कॉन्टेक्ट पे, तो यहाँ पे अब आपका जो डीपी है, आप जो नंबर को अपने फोन में सेव किए रहेंगे, जिस कॉन्टेक्ट को आप अपने फोन में सेव किए रहेंगे, सिर्फ उसी को दिखेगी, बाकी किसी भी व्यक्ति को नहीं दिखेगी। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे डीपी कोई न देखे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है नोबॉडी, यहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा नोबॉडी पे, जिससे अब आपकी ये डीपी है कोई नहीं देखेगा।